नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई सारे दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम और साथ ही साथ बैलेट पेपर से भी करवाया जाएगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी किया है और इस पत्र में जितने भी कर्मचारी हैं उनके काम को निर्धारित किया गया है, यानी कि कौन से कर्मचारी को कौन से जिम्मेदारी मिलेगी, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पत्र जारी किया गया है। आपको हम पूरी खबर बताते हैं और साथ ही साथ किन कर्मचारियों को कौन सा विभाग मिला है, किसे कौन सी जिम्मेदारी मिली है, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर वोटिंग कराने के लिए मतदान दल कर्मियों के कार्य व दायित्व का निर्धारण कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कर्मियों के कार्य व दायित्व के संबंधित पत्र जारी किया है, जिसमें मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान दल कर्मी के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का एक साथ उपयोग किया जाएगा, इसलिए पीठासीन पदाधिकारी के साथ साथ मतदान पदाधिकारी को अपने दायित्वों को सावधानी पूर्वक निर्वाहन करने का निर्देश दिया गया है। मतदान अधिकारी के पास वोटर बूथ में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम जाएगा P1 निर्वाचन नामवली के चिन्हित प्रति का प्रभारी होंगे। कागजात के आधार पर निर्वाचकों की पहचान के लिए भी उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त PN पंच व सरपंच पद के निमित मतपत्रों के प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी अमित स्याही का प्रभारी होंगे। निर्वाचन की बाई हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करने पर स्याही लगाएंगे। P2 मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी होंगे। वोटर का हस्ताक्षर व अंगूठा का निशान मतदाता रजिस्टर पर प्राप्त करने के बाद वोटर को मतदाता पर्चे निर्गत करेंगे। इतना ही नहीं, इस बार चुनाव में तृतीय मतदान अधिकारी की संख्या 3 होगी, जिसमें मतदाता अधिकारी 3A, मतदाता अधिकारी 3B और मतदाता अधिकारी 3C शामिल है। इसमें P3A प्लास्टिक वोटिंग स्टिक के प्रभारी होंगे। वहीं P2 से पंच व सरपंच पदों से संबंधित प्राप्त मतपत्रों को मोड़ने व मत देने की प्रक्रिया से वोटरों को अवगत कराएंगे। P3B मुखिया व वार्ड सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे और P3C पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे। तो ये निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें सभी अधिकारियों को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें कौन से जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, इसकी पूरी डिटेल इस पत्र में बताई गई है। आपको बता दें कि बिहार में इस बात की संभावना बन रही है कि 20 अगस्त को पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। ईवीएम की भी फर्स्ट लेवल टेस्टिंग हो चुकी है, तो इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से है। अब इंतजार है तो तारीखों के ऐलान का। ऐसे में जो संभावना बन रही है कि 20 अगस्त को तारीखों का ऐलान होगा, अब देखना होगा कि आखिर बिहार में पंचायत चुनाव कब होता है। लेकिन इस सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, कई सारे दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और इस सबके बीच अब पदाधिकारियों को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, उन्हें किस तरह से अपने कार्य करने हैं, इसको लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी करते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।